सच में भाई साहब यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसे परिवार के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अब हमें कहाँ पता था, वो तो बच्चों ने आपस में तय कर लिया, तो अब हम कौन होते हैं रोकने वाले। आ जा गरिमा बेटा, सबको चाय दे दे। अब देखिए उमेश का मेरे अलावा तो कोई है नहीं, तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। अब आप बताइए कि आगे क्या करना है। अब क्या तारीख पक्की कर देते और शादी कर देते, और क्या। अरे रुको रुको एक मिनट। घर की नई लक्ष्मी आई है, सारे रीति रिवाजों से स्वागत होगा। आज से ये कमरा तुम्हारा, तुम बैठो, मैं उमेश को भेजती हूँ। चलिए सो मच आशा, जो तुमने किया ना, दुनिया में कोई पत्नी अपने पति के लिए नहीं कर सकती। अरे अब मेरे पति कोई फरमाइश करें तो वो मैं पूरी नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। हाँ अरे 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 शान शान, आप भूलिए मत, आज आपकी सुहागरात मेरे साथ नहीं, आपकी नई पत्नी गरिमा के साथ है। तो जाइए जाइए, गरिमा आपका इंतजार कर रही होगी। खुश हो ना, जो चाहा था मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन माँ पापा से आपकी शादी वाली बात छुपा के सही नहीं लग रहा है। ये सब बातें करने के लिए मैं, पता है ना, अगर मम्मी पापा को बात पता चल गई शादी होने देते, फिर तुम खुश, आशा खुश, मैं खुश, ये बात ना हम तीनों तक ही रहनी चाहिए। इतनी बड़ी रात है यार, सुहागरात, ये सब बातें करोगी?
सॉरी दीदी, उठने में देरी हो गई। आप बताओ क्या बनाना, मैं मदद कर देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, अब रात में लेट सोगी तो उठने में तो देरी होगी ना। क्या कर रहे हो दीदी ये सामने? तो क्या हुआ, तुम दोनों मेरी बीवी हो, मैं जब चाहूं जैसे चाहूं जहां चाहूं तुम दोनों से प्यार कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल, और सुनो गरिमा, ये हम दोनों के पति है और हम दोनों इनकी पत्नियां, तो इनका जिसके साथ मन करे उसके साथ रह सकते, बस ये खुश रहे। सीखो कुछ आशा से। अच्छा ठीक है, अभी एक काम करो, नाश्ता तैयार है, आप फ्रेश होके आ जाओ। आशा टिफिन लेके आओ। मुझे पता था भाई साहब अभी तक तैयार नहीं हुए होंगे। लेट? मैं एकदम रेडी हूँ, चल रहे हैं। पर तू ये टॉन्ट मारे बिना रहता नहीं है ना। चल यार टाइम देख। अरे कुमार भैया, आप तो शादी में भी नहीं आए, वैसे घर पे सब ठीक है ना? भाभी अब क्या बताएं, हमारी किस्मत इस नवाबजादे जैसी तो है नहीं जिसके पास आप जैसी शांत और समझदार बीवी हो। अब हमारे पास तो एक ही बीवी है, अब उसके भाई का कोई फंक्शन था मायके में, आपको तो पता है धरती फट जाए आसमान गिर जाए, जाना है तो जाना है। खैर मेरी छोड़िए, हमारी छोटी भाभी किधर है वो बताइए। भाई साहब मिलाएंगे भाभी से। धीरे धीरे, ये बात ना बस हम सबको पता होनी चाहिए, बाहर ये बात किसी को नहीं पता होनी चाहिए, ऑफिस सोसाइटी कहीं पे भी। अरे सालिम कितने रात छुपा के बैठा तेरे आदमी, भूल गया क्या? अरे मिलवा दे यार भाभी से, किसी को नहीं बताऊंगा। गरिमा जी यहाँ पे आओ। जी यह है गरिमा, तुम्हारी छोटी भाभी। और गरिमा ये है मेरे बचपन का दोस्त कुमार, शरारती है थोड़ा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया। अरे अब जाना नहीं है, जल्दी रहिए नहीं तो देर हो जाएगी। जा रहे जा रहे। अच्छा भाभी क्या हुआ दीदी, फोन उठाया उन्होंने? नहीं ना, 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। अरे दीदी इतना टेंशन मत लो, आ ही रहे होंगे ना। लगता ही आ गए। अरे कहाँ रह गए थे आप? ऑफिस में। और कहा, कब से फोन कर रही थी, कम से कम आपको फोन उठा के बताना तो चाहिए था ना कि लेट आ रहा हूँ, कितना परेशान हो गए थे हम दोनों। मैं बॉस के साथ बैठा हुआ था, ऑफिस का काम चल रहा था, तो फिर फोन कैसे उठा था? आपको पता नहीं है पति जी, हमारी दीदी ना पूरे घर में ऐसे भागा दौड़ी कर रही थी ना जैसे ओलंपिक में भाग लिया हो। जब देखो आप दोनों मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, जो करना है करो। अरे कहाँ जा रही हो? लगता है दीदी बुरा मान गई, आपको ही मनाना होगा। जाओ ना जाओ।
जी आप आइए ना, वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे, मैं बुलाती हूँ। चल। ए भाई, तेरा टिफिन किधर है आज? टिफिन कहाँ है? हाँ, एक एक मिनट। यार रख के भूल गई थी। इन्हें क्या हो गया है? ले भाई, चाय पी। क्या हो गया? दो दिन से देख रहा हूं ऐसे मुंह लटका के बैठा रहता है। सब ठीक तो है? क्या बताऊं यार, घर में कोई पूछ ही नहीं रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। पूछ नहीं रहा है मतलब? भाई जिसकी दो दो पत्नियां होती है उसको तो डबल डबल पूछ होती है, और फिर तेरे बारे में नहीं पूछ रहे तो किसके बारे में पूछ रहे हैं घर में? क्या हो गया? दोनों ना सिर्फ अपने बारे में सोच रही। गरिमा को आशा की सारी बातें पसंद है, आशा को गरिमा की सारी बातें पसंद है, दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रख रही है। मेरा कोई ख्याल ही नहीं रख रही है। तेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा? अरे दादा एक मट्टी देना यार। तुझे मजाक सूझ रहा है? मैंने तो सुना था भाई इस सौतने आपस में एक दूसरे का खून कर देती हैं, और यहाँ तो सौतने आपस में बहन बन गई, और हमारे एक लौते पति की कोई पूछ ही नहीं रहा। बेचारा अपनी इज्जत के लिए परेशान है। अरे दादा दो यार। अरे अच्छा अच्छा, सॉरी 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 यार। अच्छा अब मैं कह रहा था कि तू ना एक काम कर, तू उन दोनों को एक दूसरे से जला भाई, मतलब उनके सामने बैठ के ना एक दूसरे की तारीफ कर। औरतें हैं भाई औरतें, पक्का जलेंगी। जब पति के मुंह से तारीफ सुनेंगी ना तो बुलबुले उठेंगे, आपस में बजेगा जूत, और जब जूत बजेगा तो सारा फोकस किस पे? भाई पे। घर का राजा कौन? अपना भाई। बात तो तेरी सही है। ये हुई ना बात। चल 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 चाबी। हाँ अरे आ गए आप, कैसा रहा ऑफिस? बहुत अच्छा। तुम्हारे लिए अरे वाह गजरा, ये तो बहुत सुंदर है। दूसरा भी सेम है क्या? दूसरा तो ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे लिए लेके आया। आप भी ना गरिमा, ये ले जरा, अपने बालों में तो लगा के दिखा, लगता है इन्होंने तुझे गजरा पहने हुए सी से देखा नहीं। ले। नहीं दीदी, आपके लिए लाए हैं ना तो आप ही लगाओ। लगाओ तो? नहीं लगाओ ना। अरे तुम दोनों की बातें हो गई हैं? आशा वो मेरे सर में दर्द है, अंदर चलो। लगता है मेरा प्लान कामयाब हो गया है। दोनों में काफी लड़ाई हुई है तभी आज सिर्फ आशा काम कर रही है। आशा,
आज सारा काम तुम खुद कर रही हो, गरिमा कहाँ है? धीरे बोलिए, आप सारा सरप्राइज खराब कर देंगे। सरप्राइज मतलब? देखिए, आज मैंने गरिमा की पसंद की इडली बनाई है। वो क्या है ना, मुझे लगा कि कल रात की बात से गरिमा थोड़ी उदास हो गई होगी, इसे सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैंने उसके लिए बना दी। वैसे एक बात है, मैं कल रात तो आपको कुछ बोल नहीं पाई, पर आपको भी समझना होगा, आपकी एक नहीं दो दो पत्नियां हैं, तो आगे से आप कुछ भी लेकर आए तो दोनों के लिए लेकर आइएगा। प्लीज गलती से भी ऐसा दोबारा मत कीजिए। अरे दीदी, ये सब आपने बनाया? सच में दीदी, इतना ख्याल तो मेरे घर में किसी ने नहीं रखा जितना आप रखते हो मेरी हर जरूरत का। थैंक यू सो मच। चलो बातें कम करो, पहले खा लो। आ जाओ बैठो। आप भी खाओ ना। भूख खत्म हो गई है मेरी। करीमा तुम खाओ ना। मुझे सिखा रही है कि अपनी दोनों बीवियों के बीच में कोई डिफरेंस मत करो। अरे मेरी बिजली बुझता ही आओ। तो ठीक है ना यार, इतना क्या दिल पे ले रहा है? ग्लास ला तोड़े जा रहा है यार। ए, क्या दिल पे ले रहा है का मतलब क्या? क्या इम्पोर्टेंट है उनके लिए? मैं उन दोनों के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। उनका काम क्या है? मुझे खुश रखना। मैं कैसे रहता हूँ उसका ध्यान रखना, मेरा खाना मैंने खाया नहीं खाया, मैं ऑफिस से आया नहीं आया, देर तो नहीं हो गई, ये काम है उनका। और क्या कर रही है? दोनों आपस में इतनी खुश है कि उन्हें मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। यार तो थोड़ा धीरे बोल, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाए। छोड़ दे इनका। यार दिक्कत क्या है, पटरी दोनों में तो पटने देना, ठीक तो है? मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा उनको। बैठा रात में ग्लास ग्लास को ले ले मेरे ग्लास से भी। नीट मार रहा पागल हो गया यार, छोड़। आता पहले दो दो शादियां मत कर। मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। ये उल्टी पुल्टी बात मत कर, समझा? अरे दीदी, इतना लेट तो कभी नहीं हुए, एक बार कॉल करके पूछूं क्या? हाँ एक बार कॉल कर लो तुम। अरे आ गए, कहाँ रह गए थे, कब से आपको कॉल कर रहे थे? सुना नहीं मुझे, समझे? तेरा पास आना ना पसंद नहीं, पता है मेरी पसंद कौन है? गरिमा। मुझे इसके पास अच्छा लगता है। सुनो देख, ये घर मेरा है और तुम मालकिन। आज से जो तुम चाहोगी वही होगा, सारे काम करेगी तुम, बस ऐसे हटना, रानी की तरह। ऑर्डर दो, ये मानेगी ऑर्डर। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस ऐसे बैठ के ऑर्डर देना है, झाड़ू पोछा जो तुम्हें चाहिए सारे काम ये करेगी। ये अगर इसने मना किया ना तो फिर बताऊंगा इसे मैं क्या चीज। चिंता मत कर, उसको तो मैं देख लूंगा।
आपकी हिम्मत कैसे हुई दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? हाँ क्या कहा आपने? इनको नौकरानी बना के रखूं? इनको, इनकी वजह से हम दोनों एक हुए हैं। और ये कभी मत भूलना कि ये आपकी पहली पत्नी है। इस घर पे जितना हक आपका है ना, उतना हक इनका भी है। जी, मैं नहीं जानती थी कि आपके मन में इतना सब कुछ इनके लिए भरा हुआ है। और क्या कहा आपने? मैं मालकिन, मुझे नहीं बनना। सुना आपने? मुझे नहीं बनना। और एक बात ना, कान खोलकर सुन लो, इसके बाद मुझसे या दीदी के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मत भूलना कि आपने दो शादी की है, कहीं यही आपकी मुसीबत का कारण ना बन जाए, समझे? चलो आशा, पहला यार बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या ना, नशे में था तो कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तुम तो जानती हो ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो मन में भी ये सब नहीं सोच सकता। तुम तो जानती हो ना, मैं ये सब नहीं कर सकता। आशा, प्लीज माफ कर दो ना। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता है आप ऐसा नहीं करते हैं। इंसान अक्सर पीने के बाद अपने होश गवा देता है। माफ कर दिया तुमने मुझे। हाँ, अब हाँ, आपने गरिमा से बात की? नहीं। देखिए, मुझे पता है कि कल रात गरिमा ने भी गुस्से में थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया। तो प्लीज आप उससे भी बात कर लीजिए ना, वो आपसे बहुत प्यार करती है। तुम सही कह रही हो, मैं उससे भी बात करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है, जैसे तुमने मुझे माफ कर दिया, वो भी कर दी। कुमार जी, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। बस छोटी भाभी अभी वो उमेश को बुला ले। उमेश, उमेश। हाँ, चलो कुमार। मैं कुछ लगता है कल की बात से कुछ ज्यादा ही नाराज है। कोई नहीं, जब घर आएंगे ना तब मना लूंगी। इस वक्त यहाँ बड़ी खूबसूरत लग रही है। क्या उमेश, आपको भी ना इस समय मैं हमेशा खूबसूरत ही लगती हूँ।
उमेश उमेश प्लीज, मेरा मन नहीं है आज। उमेश प्लीज, आप प्लीज गरिमा के कमरे में जाइए। उस बेचारी ने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया और आपने उसकी तारीफ तक नहीं की। गरिमा हमारे बीच में कहाँ से आ गई? उमेश, हमारे बीच का क्या मतलब? वो भी आपकी पत्नी है, आपसे शादी हुई है उसकी। आप प्लीज जाइए गरिमा के कमरे में, और वैसे भी आज मेरा मूड नहीं, जाइए। अब तक नाराज हो? बोलो ना। जाओ तुम यार, सोने दो मुझे। मर्जी से किसी के पास जा भी नहीं सकते, ये बताएंगे मुझे किसके पास जाना है? औरतों का चक्कर मेरे भाई, औरतों का चक्कर है। मैंने पहले ही कहा था यहाँ लोगों से एक नहीं संभलती, तो दूसरी भी लेके आ रहा है। सही कह रहा है, इन दोनों के चक्कर में ना जिंदगी नर्क बन गई है। खुल के बोल, बात क्या है? शर्मा क्या रहा है, बोलना यार। इज्जत भी नहीं रही, थप्पड़ मार दिया। क्या? और दोनों एक दूसरे का साथ दे रही थी। थप्पड़ मार दिया तो यार ये तो गलत है यार। अब क्या सोचा तूने? पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। मतलब एक बीवी, उसी के साथ प्यार, उसी के साथ झगड़ा, उसी की केयर और पुलिस जब्त। मतलब तू कह रहा है कि दूसरी वाली को छोड़ देगा, पर भाई उसके लिए तुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, और जब कोर्ट जाएगा तो सबको पता लग जाएगा तूने दो दो शादियां की। तो ये जी का जंजाल ना दलदल बन जाएगा, बैंड बच जाएगी तेरी। हाँ, तुझे क्या लगता है सिर्फ कोर्ट में जाने से एक बीवी से पीछे छुड़ा सकते हैं? अब हमने तो यही सुना यार कि कोर्ट से डाइवोर्स होता है, बाकी तू बता दे कि दूसरा रास्ता कौन सा होता है? और भी रास्ते हैं। कौन से? वही तो पूछ रहा हूँ। खून। क्या बोला तूने? क्या खून? तू ना यार पागल वागल हो गया। ठंडा वंडा पानी पी और तो दिमाग शांत रख, कुछ भी बोल रहा है अब भाई इतना आसान नहीं है जो तू बोल रहा है, समझा? इतना मुश्किल भी नहीं है। देगा साथ? तुझे छुटकारा किससे चाहिए, छोटे वाली से या बड़ी वाली से? आप कहाँ पे हो? पर आपने मुझे ऐसे अचानक से यहाँ पे क्यों बुलाया? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, आप आ जाइए।
भाभी, छोटी भाभी ऐसे बिलखते हुए कितनी अच्छी लगती हैं आप। कितना बदनसीब है ना वो उमेश जो इस नायाब हीरे को पहचान ही नहीं पाया। अब मैं आ गया हूं ना आपकी जोहरी, बहुत अच्छे से तराशूंगा आपको, पूरी तरह चमकाऊंगा। काम हो गया? एक्सीडेंट हो गया ना? अरे भाई, वैन ने पूरा कुचल दिया, चीतड़े चीतड़े उड़ गए भाभी के। तुझे खबर भी आ जाएगी जल्दी कि हाँ भाभी मर चुकी है। बॉस, इस लड़की का क्या करना है? रात भर रुक जाओ, लेकिन सुबह होते ही वहीं सड़क पे फेंक देना, बिल्कुल वैन से कुछ लावा लगना चाहिए। ठीक है बॉस। उमेश, गरिमा कहाँ है? गरिमा का ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था, उसको मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। जहाँ मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया तो वहाँ भी नहीं पहुंची, मुझे लगा नाराज है, शायद इसीलिए फोन नहीं उठा रही है। लेकिन उमेश, मुझे तो लगा गरिमा आपके साथ है, इसलिए मैंने उसे फोन भी नहीं किया, और घर से तो कह के निकली थी कि आपसे मिलने जा रही है, पर अभी तक वापिस नहीं आई। तो वो है कहाँ? हे भगवान, उमेश मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप कुछ कीजिए, चलिए पुलिस के पास चलते हैं। देखो तुम परेशान मत हो, हो सकता है वो अपने मम्मी पापा के पास गई, और जब बहुत भूख लगी है तुम खाना लगा दो ना, जब तक मैं प्रश्न बुक के आता हूँ हो जाएगा। क्या यार, कोई पत्ता ही नहीं मिल रहा था ढंग का। उठाओ दीदी, फोन उठाओ। ए,
खाना खाया तुम लोगों ने? पत्ते बाद में कहना, चलो खाना खा के आ जाओ। ठीक है बस, चल चलते हैं। बस आज की रात और छोटी भाभी, उसके बाद फ्री कर दूंगा, एकदम फ्री। मुझे मारेगी? हेलो हेलो दीदी, मुझे इन लोगों ने किडनैप करके रखा है। दीदी दीदी तुझे बचा लो। गरिमा तो घबरा मत, हम अभी आते हैं। तू पता तू है कहाँ? मुझे उन्होंने किया अपने। गरिमा कुमार ने तो कहा था उसने मार दिया गरिमा को, ये हम अभी आते हैं, तो घबराना मत। उमेश उमेश, गरिमा का फोन आया था, उसे किसने किडनैप कर लिया है, जल्दी चलिए ना। क्यों किडनैप कर लिया? कैसे हुआ मतलब, किसने? आप चलिए ना। हाँ चल, ये हो क्या रहा है, जाकर ही पता चल। मुझे मारेगा तू, देखना तेरी केक की सजा तुझे एक दिन जरूर मिलेगी। इसको इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। उमेश छोड़िएगा मत इस घटिया इंसान को। ए, छोड़। पकड़ के खड़ा हो गया घटिया मैं? हाँ तो फिर ये कौन से दूध का दूल्हा है? ये क्या, ये घटिया नहीं है? मतलब हाँ, ये जो सारा प्लान बनाया ना, वो आपके पति का है। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे पता है तू तकलीफ में है, क्या बकवास कर रहा है? जब इंसान पकड़ा जाता ना तो ऐसे पकड़ा। ये सब प्लान ना इसका बनाया हुआ था। क्यों, भाभी को फोन करके बाहर किसने बुलाया था? तूने? वो तो भाभी के साथ मेरा एक रात गुजारने का मन था, इसलिए किडनैप करके यहाँ ले आया, वरना अभी तक तो ये गाड़ी के नीचे आके मरमरा चुकी होती। क्यों उमेश बाबू? देखा देखा, मैं कह रहा था ना, ये आदमी घिनौना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? इसने किया है सब। अब पकड़ा गया ना तू, मुझे कोई नहीं बचा सकता, झूठ बोल रहे। बस बहुत हुआ, पहले तो तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब हमें खिलौना समझ रखा है। जब मन किया शादी कर ली और जब मन किया मारने का प्लान बना लिया। बस अब बहुत हुआ। अच्छा सही कह रही हो तुम, बहुत हुआ। अरे दूसरी शादी करके गलती कर ली, अरे कितने खुश थे दोनों, पर मुझे नहीं पता था मेरे से गलती हो गई। देखो जब से हमारे बीच में आई है ना, हम दोनों की खुशियां भी चली गई। यही है, जब तक ये जिंदा रहेगी हम खुश नहीं रह सकते, इसका मर जाना ही अच्छा है। अब सच में हम दोनों बहुत खुश हैं, इसका मर जाना ही अच्छा है। उमेश छोड़िए, उमेश क्या कर रहे हैं, छोड़िए छोड़िए। हम खुश रहेंगे, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद की। दीदी, दीदी, दीदी।
ऊपर वाला चाहता है वही होता है। मुझे दो शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे एक ही बीवी के साथ खुश रहना चाहिए। मुझे लगा कि मैं आशा के साथ खुश रह सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। पता है उसने तेरे लिए तुम्हें बनाया है, हम दोनों खुश रहेंगे। तुम आशा के लिए परेशान मत हो। पता है इसके खून का इल्जाम इस पे लगा देंगे। ए? क्या बोल रहा है तू? हर बार भाई करूंगा तेरे को मैं। खूनी साले, बता। हाँ? हाँ? तू इसके साथ चाहता था ना? हाँ? ना? मेरे